मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैवलर ब्रोस। मैं हूँ जयेश और अभी हम लोग बारामुंडा बस स्टैंड में, जो कि भुवनेश्वर का बस स्टैंड है, आज हम लोग यहाँ से हैदराबाद जाने वाले हैं। और बस आपको पीछे दिख रही होगी, ऑरेंज ट्रैवल्स की लंबी चौड़ी बस, राइट। गुलशन भी मेरे को सी ऑफ करने आया है। इतना शानदार ये बस है, वॉल्वो B11R मल्टी एक्सल बस और स्लीपर बस है। सोते सोते जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। आप ये बस का लेंथ देखिए कितना बड़ा है, मज़ा बहुत आने वाला है। और ज़रा सा भी जर्किंग नहीं लगेगा तो आराम से सोते सोते जाएंगे यहाँ से। भाई आप देख सकते हैं यहाँ का रियर इंजन है। ये बस का इंटीरियर है, आप देख सकते हैं टीवी लगी हुई है, शायद चलेगी कि नहीं। और आपको यहाँ पे मोबाइल होल्डर, रीडिंग लाइट, चार्जिंग पोर्ट आप देख सकते हैं। ये टीवी का रिमोट है और ये एसी डक्ट, एक ही एसी डक्ट है जो आपके सर के तरफ होगा। आपको एक पिल्लो भी मिलती है और कर्टेंस तो हैं ही प्राइवेसी के लिए। और इधर 2x1 का आप सीटिंग देख सकते हैं, पूरी बस है। और हम लोग का जो आज सीट मिला है वो L1 है। ये रहा अपना सीट, तो यहाँ छोटा सा एक व्यू मिल जाएगा हम लोग को, राइट। अच्छा व्यू है यहाँ से, बस चल चुकी है, तो आप देख सकते हैं बस हमारी निकल चुकी है भुवनेश्वर से। केबिन अभी फुल है तो अभी तो केबिन राइड नहीं हो सकता, एकदम आरामदायक सीट है। आप कर्टेंस पूरे लगा लो, यस, फुल प्राइवेसी। इसको खोल सकते हो, इसको बंद भी कर सकते हो, देख सकते हो पूरा फुल प्राइवेसी आपको मिलती है। और यहाँ पिलो भी मिलती है, पानी का बॉटल और स्नैक्स भी हम लोग को सर्व किया जाएगा, तो जब आएगा तब मैं दिखाऊंगा। तो अभी हम लोग को ये स्नैक्स का बॉक्स दिया गया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ उसमें है क्या। पूरा ऑरेंज का ब्रांडिंग आप देख सकते हैं, आज का डेट, सारा कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है। आपको एक छोटा सा केक मिलेगा, सोया स्टिक्स और की बिस्किट, सही है। आप देख सकते हैं ये है वेलकम होटल बाय ATC भुवनेश्वर का एक 5-star होटल, यहाँ का भी जल्दी ब्लॉग आएगा। गोदीपाड़ा टोल प्लाजा पे हैं, ये पुराने ज़माने का स्टाइल वाला प्लाजा है। ये देखिए फास्टैग रेड हुआ उस मशीन से, एंड वी आर गुड टू गो।
7 बज चुके हैं और हमारी बस अभी टॉयलेट ब्रेक के लिए रुकी हुई है। केबिन में देख सकते हैं सारा ड्राइवर का है, ऑटोमेटिक गियर है, सारे कंट्रोल्स। में इंटर हुए हैं और अभी पुलिस चेकिंग चल रही है। पीछे टोल प्लाजा है, उसी के जस्ट आगे पुलिस वाले आते, पूछते हैं कि पता नहीं कौन से लैंग्वेज में पहले उन्होंने पूछा, फिर वो बोलते हैं कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या काम करते हो, सबसे वही पूछ रहे हैं। भाई पीछे गए तो 10 बजे एग्जैक्ट हम लोग डिनर करने के लिए रुक गए हैं। अच्छा रेस्ट स्टॉप है, थोड़ा सा कॉस्टली है बस। एकदम हाईवे के साइड में हम लोग रुके हैं और हाईवे पे ही बस रुकी हुई है, वो पीछे रही हमारी बस लंबी चौड़ी। तो ये है वो रेस्टोरेंट जहाँ पे हम लोग डिनर करने के लिए रुके हुए हैं। बाहर भी खा सकते हो यहाँ पे और अंदर भी खा सकते हो, अंदर में एसी चलती है। ये मैंने एक पनीर करी और 2 बटर नान मंगाया, 290 रुपीस पड़ा है इसका। तो डिनर हमारा हो गया है और ओके था, बस थोड़ा सा ज़्यादा ही प्राइसी था, लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा दिया था। हाफ प्लेट यहाँ पे था नहीं तो मेरे को फुल ही मंगाना पड़ा था और पेट एकदम ऊपर तक फुल हो गया। और अब लोग जाने के लिए रेडी हैं। पीछे आप देख सकते हैं ड्राइवर साहब भी बैठ चुके हैं, कुछ लोग का इंतज़ार हो रहा है जो लोग अंदर खा रहे हैं, फिर चलेंगे यहाँ से। विशाखापट्टनम में ऑरेंज टूर एंड ट्रेवल्स का ये स्टॉप है, आप देख सकते हैं इनका यहाँ पे एक अपना फ्रेंचाइज है, यहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हैं। The next morning. विजयवाड़ा बहुत ही अच्छा नज़ारा था आपने जैसे देखा होगा। तो
मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह के 6:30 बज चुके हैं और हम लोग अभी विजयवाड़ा हैदराबाद हाईवे पे यहाँ पर सारे लोग अभी यहाँ पर उतर रहे हैं और हमारी बस ये पीछे लगी हुई है ऑरेंज टूर एंड ट्रैवल्स की वॉल्वो B11R मल्टी एक्सल। बहुत शानदार जर्नी हो रहा है क्योंकि बस मतलब बहुत ही ज़्यादा आरामदायक है। पीछे हाईवे देख सकते हैं और इधर पहाड़ भी है। बहुत अच्छा मौसम भी हो रहा है। तो मौसम बहुत ज़्यादा शानदार हो रही है और अभी हमारे यहाँ पे चाय चल रही है। बहुत बढ़िया चाय पिला रहे हैं और यह रही पीछे हमारी बस रियर इंजन अभी भी चल रही है। NH-65 जो कि हैदराबाद से विजयवाड़ा तक कनेक्टेड है और मैं आपको इस जर्नी के बारे में बताऊँ तो बस नॉन स्टॉप चल रही है। मतलब एक बार खाने के लिए रुकी थी और उसके बाद नॉन स्टॉप चली जा रही। कभी कभी बीच में लोग बोल रहे हैं कि वो टॉयलेट करना है तो कहीं कहीं पे रोक दिया जा रहा है, लेकिन बस नॉन स्टॉप चली जा रही है। और हम लोग तेलंगाना अभी कुछ ही देर में हम लोग पहुंचेंगे। होटल वेंकटेश साई। बारिश स्टार्ट हो चुकी है, मौसम तो बना ही रहा था, बारिश भी स्टार्ट हो गई है। वाओ और मज़ा आएगा मुझे। लगभग 8 बजे हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं ब्रेकफास्ट करने। केबिन आप देख सकते हैं वॉल्वो का, ऊपर में CCTV भी लगा हुआ है। फर्स्ट एड बॉक्स ऑटोमेटिक है तो गियर है नहीं, यहाँ पे सारे कंट्रोल्स सिस्टम सारे वॉल्वो का ब्रांडिंग। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और 11:30 बज चुके हैं और अभी हम लोग लकड़ी का पुल पहुंच चुके हैं। पीछे में हमारी बस ऑरेंज ट्रेवल्स की B11R मल्टी एक्सल जाती हुई। बहुत शानदार सफ़र रहा। हम लोग 3 बजे निकले थे भुवनेश्वर से और अभी 11:30 बजे यहाँ पहुंच चुके हैं। तो इतना लॉन्ग जर्नी आप सोच सकते हैं, लेकिन बहुत आरामदायक रहा क्योंकि मल्टी एक्सल बस। चलिए